मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नैन डेयरी फार्म पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों तक पहुँच सके। तो ये देखिए जो आज की वीडियो हम कवर कर रहे हैं वो कुरुक्षेत्र जो DFA का 3 दिवसीय कॉम्पिटिशन चला हुआ है वहाँ से आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आप देख पाओगे जो टीके जो माथे पे रेड कलर का जो रिबन बंधा हुआ है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो ये जोटी है पहले स्थान पे लगी है। जो मिल्क ब्यूटी कंपटीशन और मुरा अडल्ट बुल का कंपटीशन है जो सबसे मुख्य माना जाता है किसी भी कंपटीशन का, तो ये जोटी आप देख पाओगे जो मिल्क ब्यूटी का यानी किसी भी कंपटीशन का सबसे प्रमुख जो रिंग कंपटीशन होता है उसमें जोटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो जो आगे की जोटी की एक एक डिटेल है वो भाई साहब से लेंगे। तो आइए भाई साहब, राम राम भाई साहब। राम राम सारे भाइयों भाई, जो भी भाई चैनल को देख रहे हैं भाई, उन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद भाई। और भाई जी सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस कंफर्म जरूर कराएंगे। भाई मेरा नाम हरमनदीप सिंह है। हाँ जी। और सभी भाई कालू बगाना के नाम से जानते हैं भाई। कालू बगाना मेरा गांव भाई जी, जिला हिसार और डिस्ट्रिक्ट हिसार भाई जी। डिस्ट्रिक्ट हिसार। हाँ जी। तो भाई जी जो ये अपनी जोटी पहले स्थान में लगी है उसके लिए आपको बधाई हो। और जो अपनी ये जोटी है भाई जी कौन से ब्यांत में है? ये जोटी भाई दूसरे ब्यांत में और छह दांत है भाई जी। अभी मुँह से छह दांत है। हाँ, और दूसरे ब्यांत में? हाँ, दूसरे ब्यांत में भाई जी। तो इसने अगर बात करें पहले ब्यांत में कितना दूध निकालिया था? पहले ब्यांत में भाई जी अपने पास नहीं थी, मैं परचेज करके ले आया। अभी दूसरे ही ब्यांत में? हाँ, अभी 4 दिन पहले ले गया था भाई जी। तो इसके आज मौके पे अगर दूध की बात करें तो कितना दूध तैयार है? आज मौके पे भाई जी 19 किलो दूध तैयार है। 19 किलो दूध तैयार है। तो ये देखिए भाई जी की जो टीक अगर पूरी कवर करें तो आप देख पाओगे फेस की क्वालिटी काफ़ी शानदार है। तो भाई जी की जो ये जो टी है मिल्क ब्यूटी कम्पिटिशन में पहले स्थान पर रही है आप देख पाओगे काफ़ी अच्छा। तो गोलू भाई साहब को आप साथ में देख सकते हो। गोलू भाई साहब इसे एक बार थोड़ा चला कर दिखाएं। तो ये देखिए आर्डर को इसका कवर करें तो आप देख पाओगे दोनों साइड से पीछे से भी काफ़ी सब बड़ा आर्डर है। अगर साइड से कवर करें तो ये देखिए आर्डर पे उभरी हुई है, आप नसें देख सकते हैं काफ़ी मोटी मोटी जो नसें हैं आर्डर पे उभरी हुई है और काफ़ी शानदार आप साइज भी देख पाओगे काफ़ी अच्छे साइज की जो जोटी है भाई जी से जानकारी लेंगे। तो कालू भाई साहब अभी घर रखने का विचार है या सेल भी करने का विचार है इसे? भाई जी देखो लेके आए थे भाई जी कड़ा भाई जी सेल करने के लिए। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मन बना लिया अभी चलो कुरुक्षेत्र कंपटीशन में लगाएंगे भाई। तो अभी कुरुक्षेत्र कंपटीशन में लगाई फर्स्ट आई है तो अभी आपका इसका जो सेल करने का भी विचार है या नहीं है? अब भाई जी पहले तो एक बारी भिवानी कंपटीशन में लगाएंगे कड़ा भाई जी इसको, यानी जो भिवानी का कंपटीशन है 25-26-27 फरवरी का। हाँ वहाँ पे लगाएंगे भाई जी। और उसके बाद में भाई जी पहले पीक पे ले आएंगे भाई जी इसको, क्योंकि अभी इसका पीक पॉइंट आया नहीं काला भाई जी। पीक पॉइंट अभी आया नहीं है भाई जी, क्योंकि ये 4-5 खूंटे चेंज करके आई है अभी अभी। हाँ तो उसके कारण सही मौके पे दूध इसका मिला नहीं इसको, क्योंकि एक खूंटा पाएगी फिर दूसरा पाएगी फिर तीसरा फिर चौथा पाए लगातार चलती आ रही है भाई जी तो पिछले 10 दिनों से, यानी 10 दिनों से लगातार जो सेल परचेज का जिन भाई हुआ काम है उसमें चलती आ रही है भाई। तो आप सभी को पता भी है अगर किसी भी जो टीका जो एक खूंटे पे रहकर दूध देना काफ़ी ज़्यादा दूध दे सकता है, लेकिन अगर उसका डेली एक स्थान से दूसरा स्थान चेंज करे तो इतना दूध जोटी नहीं दे पाएगी। तो भाई जी की जोटी है जो पहले स्थान पे लगी है काफ़ी भाई जी का नाम रोशन किया और अपने गांव का जिला का काफ़ी नाम रोशन किया है। तो दो विचार है जो गोलू भाई साहब के भी लेंगे। तो गोलू भाई जी आए बंद कर लिए थे। तो गोलू भाई साहब राम राम। राम राम काले भाई। तो गोलू भाई जी वैसे तो हरियाणा गोवंश पे अब काफ़ी ज़्यादा रुझान किए हुए हैं तो आज महस्तापन भाई महसे का जो काम है मुर्रा का वो छोड़ दिया। तो भाई जी की आपको भाई जी की कालू की जो ये जोटी है कैसी लगी? बहुत बढ़िया जोटी है भाई, पहला नंबर आई है तो जाहिर सी बात है काले, इसमें कोई मिस पॉइंट तो ही नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए जो और यहाँ की अगर जजमेंट पे बात करें तो गोलू भाई जी आप एक नंबर की है भाई, बिल्कुल फेयर जजमेंट है आपको यहाँ पर आए हुए दो दिन हो गए आज तीसरा दिन कल से देखने लग रहे हैं भाई बिल्कुल जमींदार का नहीं लग रहे हैं। यानी अगर बात करें तो अगर हर कंपटीशन में जो देखा जा रहा है कि तेरा मेरी हो अगर इसमें नहीं है भाई चेहरा देख के जो DFA में कोई तेरा मेरी नहीं बिल्कुल निष्पक्ष फैसले हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए जो DFA कंपटीशन कालू की कटड़ी भी सेकंड आई थी, दो दांत कटड़ी भी भाई दो दांत सेकंड आई थी, एक अंदर है कटड़ी भी तो कटड़ा आज भाई कटड़ा कंसोलिडेशन में आया 4th पोजीशन पे था
दूसरे एक कट्टा छोटा ले लिया था उन्होंने, चार कट्टे सिलेक्ट किए थे, एक कट्टा छोटा था 5.5 महीने का, बस यह गलती थी। खीरे हैं तो खीरे तो देखो 2 साल थी 2.5 साल थी भी हुए। हाँ जी, वो छोटे वो एक गलत काम था बस और कुछ नहीं। यानी अगर बात करें तो दूसरा तीसरा बता, यानी अगर बात करें तो 1 महीने से लेके और खीरे मिला दिए, खीरे सभी एक साथ किए हुए थे। तो वैसे तो भाई जी मैंने रिंगों का भी डाल लिया, जो हरियाणा और साहिवाल गिर सभी मिक्स किए। वो भी गलत है, हरियाणा अलग होनी चाहिए भाई, साहिवाल अलग, गिर अलग होनी चाहिए। यानी वैसे ये रिंगों पे जो आपका थोड़ा हाथ जरूर वो है, रिंगों पे है, जजमेंट पे नहीं है भाई जी, जजमेंट फेयर है पर रिंग पे गलत है, कोई कैटेगरी है वो होनी चाहिए ना। तो ऐसा भाई साहब जो पशु है वो भी थोड़ी ही जो कम संख्या में आए हैं, इसका भी जो साई वाला अलग है, हरियाणा अलग है। हाँ, एक कुकर छट्टोगे पहले दूसरा तीसरा। हाँ, ये बात आपकी सीधी बात है, जाहिर सी सीधी बात है भाई, हरियाणा छट्टा साई वाला रूस है, साई वाला छट्टा हरियाणा वाला रूस है। तो हर मेले में जो भाई जी कंपटीशन में जो पहले दूसरे स्थान पे काफी ज्यादा हल्ला होता था कि मेरी है तो यहाँ पर नहीं होने को, कोई शोर शराबा होया अब तक एक भी रिंग में, एक में भी होया तो बता, एक भी रिंग में शोर शराबा नहीं होने को मिला, जजमेंट फेर है भाई। ये देखिए तो यहाँ पर जो पशुपालक है जजमेंट से काफी संतुष्ट है, और देख पाओगे जो टीने भाई जी का काफी नाम रोशन किया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, तो भाई जी का कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के लास्ट में भी एक बार जरूर लेंगे। तो कालू भाई साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताएं। मेरा मोबाइल नंबर भाई जी 9674। हाँ जी, पूरे 847 847। हाँ जी, तो ये देखिए भाई जी का कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे साथ की साथ स्क्रीन में चला हुआ है। और जोटी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।